हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं यहाँ पे वेज मिक्स वेज शेयर कर रही हूँ और इसकी एक टिफ़िन रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को काट के अच्छे से धो लिया है, जैसे कि आपने देख ही लिया होगा। और यहाँ पे मैंने डाली है कढ़ाई में सरसों का तेल और उसमें मैंने डाला है जख्या। जख्या जो कि हमारे पहाड़ का तड़का होता है और हम ज़्यादातर सब सब्जियों में इसका यूज ज़रूर करते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है लहसुन बारीक कटे हुए, 7 से 8 कलियाँ लहसुन की और एक छोटा प्याज। और इसके बाद मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च और जो मेन है इसमें वो डाला मैंने हरा धनिया तड़के में। तो हरा धनिया डालने से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और खाने में बहुत बढ़िया होता है। तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं ये सब्जी तो आप इसमें लहसुन और प्याज हटा करके जीरा और जख्या हींग और इस हरे धनिया और हरी मिर्च की तड़का लगाएं और तो खाने में ही बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब तड़का तैयार हो गया है। तो इसके बाद मैंने इसमें डाल दी हैं मिक्स सब्जियां। मिक्स सब्जी में हमारे पास है गोभी, मटर, शिमला मिर्च, बीन्स, गाजर और सबसे मेन है मेरा आज का चुकंदर। चुकंदर जो कि बच्चे खाते नहीं है नॉर्मली, तो हम ऐसे सब्जी में काट के डालें तो वो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है चुकंदर खिलाने का। तो यहाँ पे मैंने चुकंदर भी डाल लिया है और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी एक उबला आलू। और फ्रेंड्स, इसमें मैं टमाटर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। टमाटर का यूज़ करने से सब्जी का टेस्ट अलग हो जाएगा। और तो इसमें मैं बिना टमाटर के ये सब्जी बना रही हूँ और देखिए आप खाने में ही बहुत ही बढ़िया होती है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई करें मेरी रेसिपी। और जितनी मैंने काटी थी उसमें से एक सब्जी और बच जाएगी, मतलब ये मिक्स काट के थोड़ा 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 सब लिए थे तो फिर मैंने सब काटी और इसको हटा दिया है। जितनी चाहिए उतनी ली है और देखिए सब्जी कितनी कलरफुल लग रही है। तो मैं बनाती हूँ सिंपल मसालों से, सिंपल बर्तन में। नॉनस्टिक बर्तन भी मैंने बिल्कुल हटा लिए हैं अब, और लोहे की कढ़ाई और ऐसे ही लोहे के तवे या लोहे के बर्तन या ये अब एल्यूमिनियम की कढ़ाई है तो इसमें सब्जी का कलर अच्छा आएगा, इसलिए मैंने इसी में बनाई है। तो अब इसमें डाल देती हूँ मैं एक उबला आलू। उबला आलू डालने के बाद इसको हमको 2 मिनट के लिए फुल फ्लेम में ढक करके पकाना है। तो अब 2 मिनट बाद मैंने सब्जी चेक की तो हाफ बॉईल हो चुकी थी। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले। अगर आपको सलाद के रूप में खाना है तो इसमें हल्की सी काली मिर्च डालिए और सेंधा नमक या नमक डालिए और ऐसे ही सलाद के रूप में भी खा सकते हैं तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ नमक, धनिया पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा किचन किंग और थोड़ी सी देगी मिर्च। तो बस इतने ही 3-4 मसाले ही मैंने डाले हुए हैं इसमें और इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट भी नहीं डाला है, उससे भी स्वाद अलग आ जाएगा। तो देखिए अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और मिक्स करने के बाद कुछ देर तक फिर कम आँच में पकाना है और हमारी सब्जी बन के तैयार है। तो लगभग 5 मिनट ढक के पकाने के बाद ये देखिए हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और अब 1 मिनट के लिए हमको इसमें फुल फ्लेम गैस की फुल करके इसको ऐसे ही मिक्स करना है अच्छे से।
तो मैं ऐसे करके ये मिक्स करती जाऊंगी, और जब तक मसाले नीचे न लगें, अभी तो मसाले नीचे नहीं लगे हैं, जैसे ही नीचे लगेंगे फिर गैस बंद कर देनी है। और ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक करें, और टिफ़िन रेसिपी आपको कौन सी पसंद है उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।